कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट कर देते हैं, तो यहां से मिल रहा है एक्स जो होगा कॉस टी होगा। ये आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन से। अगर एक्स कॉस टी है तो इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी डी टी। एक्स की जगह हमने डाल दिया कॉस टी और कॉस इनवर्स एक्स की जगह अब कॉस टी आ जाएगा और डी एक्स की जगह साइन टी डी टी आएगा। नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को इधर भेज देते हैं। क्या हुआ, हमारे पास कॉस साइन और टी दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ग्रुप कर देते हैं, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो कैसे होगा, हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो माइनस वन बाई टू बाहर आ गया, माइनस साइन तो पहले से था, टू से डिवाइड कर दिया, और अंदर हम टी को अलग लिख देते हैं और इसको जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा टू साइन टी कॉस टी, और ऐसे करके बन गया। जब ये ऐसे बना है तो ये लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन टी और साइन टू डी। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एलजेब्रिक फंक्शन आ गया, उसके लिए हमने आईलेट पढ़ा था है ना, आई एल टी। तो इसके हिसाब से किसको फर्स्ट मिलना चाहिए, इनवर्स ट्री को हमारे पास इसमें है नहीं, लॉगरिथमिक भी नहीं है, तो एलजेब्रिक को फर्स्ट ले लेते हैं। अब एलजेब्रिक फर्स्ट ले लिया तो ये ऑटोमेटिक सेकेंड हो गया। लगाते हैं जी बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देते हैं इसमें। इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा तो जो माइनस हाफ कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ही रख देते हैं, आप बाहर ही रहो जी माइनस हाफ। और यहाँ पे होता है फर्स्ट फॉर्मूला होता था फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। हमारे पास साइन टू टी है, इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट का, डी बाई डी टी ऑफ टी, इंटीग्रल निकालते हैं सेकेंड का है ना, और डी टी, और इनका जो प्रोडक्ट होगा ना उसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, यही तो प्रोडक्ट रूल होता है। तो ये माइनस हाफ हमारा ऐसे ही रहा, टी साइन टू टी का इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान है, साइन टू टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टू टी, और जैसे डिफरेंशिएशन में हम इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे यहाँ उसी से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा आ जाता है ना, माइनस और टी का इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव हो गया वन, और ये अभी हमने लिखा यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, ये आता है माइनस कॉस टू टी। सो फार सो गुड एंड वी हैव अराइव्ड एट आंसर ऑलमोस्ट देयर। सो दिस इज नाउ माइनस माइनस इज प्लस वन बाई फोर टी एज इट इज एंड कॉस टू टी ओके माइनस माइनस दिस माइनस हाफ वॉज इन ब्रैकेट राइट लाइक दिस दिस माइनस माइनस बिकम प्लस बट सी आई हैव ओपन द ब्रैकेट आई वुड लाइक टू ओपन द ब्रैकेट आफ्टर नेक्स्ट स्टेप सो लेट मी कीप दैट हाफ एज इट इज ओके आउटसाइड सो माइनस हाफ एंड इनसाइड आई हैव टी कॉस टू टी बाई टू and then this is minus minus become plus and this is by 2 and cos 2t integration of cos 2t half of cos 2t cos 2t dt like this so now I can open the bracket this become minus t by 4 minus t by 4 cos 2t okay and minus 1 by 4 integration of cos 2t because this is half and this minus 1 and the cos 2t will be integration of cos 2t will be sin 2t sin 2t by 2 like this and plus c so we would like to write answer in terms of x so t was minus t let me write everything in term of t and cos 2t first
माइनस टू डी, दिस विल बिकम टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन. कॉस टू टी इज टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, दिस बाय फोर. वॉज दैट माइनस माइनस प्लस अप देर, यू कुड सी सिंस इट वॉज माइनस कॉस टू टी, नो देर इज नेगेटिव साइन लाइक दिस, सो दिस बिकम. ऑल राइट, सो इट इज नाउ पॉजिटिव टी कॉस टी एंड टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, एंड दिस इज नेगेटिव माइनस वन बाय फोर. साइन टू टी कैन बी रिटन एज टू साइन टी कॉस टी, टू साइन टी कॉस टी, टू एंड टू शुड गो प्लस सी. नाउ दिस साइन कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ कॉस, एंड देन वी रिटेन द वैल्यू ऑफ कॉस टी एज वेल एज टी, एंड दैट इज द आंसर. So E as it is 2 cos square t minus 1 by 4 minus 1 by 4. This is cos t. Sin t can be written as under root 1 minus cos square t and plus c. E can be written as cos inverse x. Yes, cos inverse x, we had put cos inverse x is equal to t, and then cos t was x. This becomes 2 x square minus 1 whole by 4. Okay, these are the function multiplication. Minus 1 by 4, cos t is x again, and this thing becomes square root of 1 minus x square, 1 by 4 x, 1 minus x square and plus. This is the answer. Yes. Okay, well done.